विधानसभा क्षेत्र सितारगंज से निवर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी सौरव बहुगुड़ा ने सबसे पहले अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी तुषार सैनी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज सिंह पाल ने, आप प्रत्याशी अजय जसवाल ने तथा बसपा के नारायण पाल ने अपना नामांकन पत्र भरा। तो वही रिटर्निंग अधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार नामांकन पत्र भरे गए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखते हुए नामांकन पत्र भरे गए हैं। सितारगंज से चरण सिंह सरारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी चैनल वालों के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, सितारगंज की देवतुल्या जनता को नमस्कार करता हूं। पार्टी हाईकमान ने जनता की जो डिमांड थी, क्योंकि सर्वे कराया था पार्टी ने, सितारगंज की जनता ने मेरा नाम जो है उसमें दिया कि भी मैं चुनाव अच्छा लड़ सकता हूं, मौजूदा विधायक के सामने मैं ही ज़्यादा बेहतर लड़ूंगा। तो पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। ये सितारगंज की जनता का मन था मुझे टिकट दिलाने का, और सितारगंज की जनता ही मुझे चुनाव जिताएगी। एक तरफ सिर्फ जो मौजूदा विधायक हैं उनके पास कुछ नहीं है करने, वो कहते हैं मैंने विकास किया। अगर विकास किया था पंडित नरेंद्र तिवारी जी पर्चा भरने के बाद कभी क्षेत्र में आते नहीं थे, लोग उनको जिता देते थे। अगर इन्होंने विकास किया तो इनको यहाँ पे ज़्यादातर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, कि लोगों पे तमाम प्रेशर बनाते फिर रहे हैं, पैसा बांटते फिर रहे हैं। अगर विकास किया होता तो जनता इनको अपना जिता देगी, ये पर्चा भर के दिल्ली चले जाएँ। लेकिन एक तरफ ये सिर्फ पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मैं जनता के दम पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये धनबल की लड़ाई जनबल से हम जीतेंगे। देखिए, नारायण पाल जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में ये सब चलता रहता है, ठीक है। वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, हम लोगों ने आपस में सब प्रत्याशियों ने बात करी थी, जिसे भी टिकट मिलेगा ठीक है, टिकट की लड़ाई लड़ो, टिकट मिलेगा सारे लोग एकजुट होके और हम चुनाव लड़ाएंगे जिसको सिंबल मिलेगा। और जो क्षेत्र की जनता जिस विधायक से परेशान है, जिसने क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न कर रखा है, यहाँ के युवाओं का, दलितों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रखा है, उसको किसी भी सूरत में हमने सितारगंज से उसकी विदाई करनी है, ये सब प्रत्याशियों ने तय कर रखा था। लेकिन आज मुझे जब टिकट मिल गया, सारे प्रत्याशी दूसरे मेरे साथ हैं। नारायण पाल जी मैंने सुना है अभी कि बसपा से आ रहे हैं, मैंने उनको मनाने का भरसक प्रयास किया, तो मैं तो अपने वादे से पीछे नहीं हटा। अगर नारायण पाल जी को टिकट मिलता और मैंने वादा किया था उनसे, तो मैं बिल्कुल तन मन धन से उनको लड़ाता, पूरी जान से लड़ाता, जितने मैं अपने लिए ताकत लगाता उसकी जगह। देखो नहीं हमारे साथ हैं, देखेंगे, जब भी वो पर्चा भरा नहीं उन्होंने, अगर वो भरेंगे हम उनको मनाने का फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा नाम वापसी तक कि हम उनको मनाएं और अपने साथ लाएं, अभी तो हमारा ये प्रयास है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद बयान देंगे आपको। और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जनता ये मान रही है कि मैं हमेशा, तो चुनाव में मुझे लगता है जनता पूरा बहुत नहीं, हमें देखो, हमने जनता के बीच में हमेशा काम किया है और जनता यही देखती है कि काम करने वाला व्यक्ति आ गया है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पुरानी बात हो गई, मैं कांग्रेस में था और मेरे लिए कोई भी कैंडिडेट हो, मैंने अभी देखा है अजय जसवाल जी बच्चा बनने आए थे, सौरभ बहुगुड़ा जी भी आए थे, नवतेज पाल जी भी आए थे, ये तो हमारे सब संसार से वैचारिक बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से बहुत ज़्यादा था, उन्होंने मुझे 1910 में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 68 विधानसभा को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया,
और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 5 साल लगातार यहाँ पर विधायक रह के काम कराए हैं, लोगों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से 17 का चुनाव हमने विकास के नाम पर लड़ा था, ये वाला चुनाव भी हम विकास के नाम पर लड़ेंगे और जनता हमारा पूरा सहयोग भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त जनता में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है उनको वोट करने के लिए, और मुझे लगता है कि 68 विधानसभा फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 10 मार्च को जाएगी। बस इतना ही अपील करना चाह रहा हूँ कि 10 साल का हमारा और आपका रिश्ता है, हमने एक साथ मिलकर काम किया है, एक साथ लोग अपने सुख दुख में सब साथ रहे हैं, विकास योजनाओं को धरातल में उतारने में आप सबका सहयोग रहा है, आप सबका आशीर्वाद रहा है। मैं बस आपसे इतनी निवेदन कर रहा हूँ कि 14 तारीख को आप लोग वोट देने जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाइएगा और अपने भाई और बेटे को एक मौका और दीजिएगा 5 साल अपनी सेवा करने के लिए।